पंजाब के पठानकोट में चार हथियारबंद संदिग्ध देखे जाने की खबर के बाद सर्च ऑपरेशन शुरू हो गया है। सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस को सैनिकों की वर्दी, टोपी, बेल्ट और मोबाइल चार्जर मिले हैं। इसके साथ ही पठानकोट के आसपास आर्मी और एयरफोर्स के एरिया की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि कल शाम जानकारी मिली थी कि पठानकोट हिमाचल सीमा पर चक्की खड्ड के पास चार संदिग्धों को देखा गया है, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब के अधिकारियों ने हिमाचल प्रदेश के अपने समकक्षों को भी इस बारे में अलर्ट कर दिया है। उरी में आर्मी बेस पर हुए हमले के बाद से ही इस इलाके में अलर्ट जारी था। आपको बता दें कि इसी साल जनवरी में पाकिस्तानी आतंकियों ने पठानकोट एयरबेस पर हमला कर दिया था, जिसमें 7 जवान शहीद हो गए थे और हमले में शामिल 4 आतंकियों को मार गिराया गया था। उरी हमले के बाद से ही कई संदिग्धों के देश भर में दाखिल होने की खबर है। पहले मुंबई के उरण में, फिर हिमाचल के चंबा और अब पंजाब के पठानकोट में संदिग्धों को देखा गया है, जिसके बाद देश भर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। देखते रहिए टीवी लाइव।